नमस्कार। महाराष्ट्र की सत्ता को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बन चुके हैं और अजीत पवार जो एनसीपी नेता शरद पवार के भतीजे हैं उन्होंने उप मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण भी कर ली है। यानी देवेंद्र फडणवीस अब सीएम होंगे और अजीत पवार डिप्टी सीएम होंगे। मैंने आपको कई बार बताया है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आपको एक नितिन गडकरी का बयान भी याद दिला दूं कि उन्होंने कहा था कि क्रिकेट में लास्ट गेंद भी पूरे गेम का जो परिणाम है वो बदल सकती है। यानी कई बार हारा हुआ गेम भी जीता जा सकता है। और यहाँ निश्चित तौर पर बीजेपी ने ये जो गेम है वो जीत लिया है। और मैंने पहले आपको कई बार बताया है कि एनसीपी नेता शरद पवार ने अपनी सभी चालें नहीं चली है। एक चाल अभी भी शरद पवार ने बचा करके रखी है, लेकिन अब तक जिस तरह से शरद पवार रात को सोते ही रह गए और उनके भतीजे अजीत पवार ने सरकार है वो बना डाली। फिलहाल मैं आपको एक बड़ी अपडेट ये भी देता हूं कि अभी फिलहाल 105 भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक उनके पास हैं और 22 एनसीपी के विधायकों का समर्थन है। यानी 127 का आंकड़ा ही बना है अभी तक। 145 से काफी कम भी बताया जा सकता है कि 145 से काफी कम है। 127 के बहुमत के साथ अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ है वो देवेंद्र फडणवीस ने ली है और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण ली है। और 30 नवंबर तक बहुमत साबित करना है। यानी भारतीय जनता पार्टी को 30 नवंबर तक बहुमत महाराष्ट्र के अंदर साबित करना है और इसके लिए मोटा मोटा फंडा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं एनसीपी नेता शरद पवार की इसमें खूब भूमिका है, क्योंकि अजीत पवार को 50-50 फार्मूले पर अभी सीएम बनाने का जो फार्मूला था वो भी कहीं ना कहीं शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के बीच था। वहां भी अजीत पवार 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री तक बन सकते थे और उप मुख्यमंत्री भी बन सकते थे, क्यों जिस तरह से इनका फार्मूला तय हुआ था कि कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री है वो 50-50 फार्मूले पर एनसीपी और कांग्रेस के दो होंगे, तो वहां भी उनको उप मुख्यमंत्री पद की जो पद है वो मिल सकता था। लेकिन उस सब को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आकर भी उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद ही लिया है। इसके क्या मायने हैं इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर भविष्य में थोड़े टाइम बाद ही शरद पवार इसका पूरा खुलासा करेंगे, क्योंकि 127 का आंकड़ा ही भारतीय जनता पार्टी के पास है। जो बचे हुए 18 विधायक हैं, जो 18 का आंकड़ा है वो कहां से आएगा? लगभग एनसीपी से ही आएगा यदि। लेकिन हालांकि जो शरद पवार उन्होंने कहा है कि एनसीपी टूट चुकी है, एनसीपी की घड़ी टूट गई है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा वक्त लेकर के आई है, लेकिन जो शरद पवार का दावा है कि एनसीपी का इसमें कोई हाथ नहीं है, एनसीपी टूट चुकी है, सिर्फ शरद पवार उनके साथ नहीं गए हैं बल्कि सिर्फ अजीत पवार उनके भतीजे ही उनके साथ हैं, वो गए हैं और 22 विधायकों का उनके पास समर्थन भी बताया जा रहा है। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये जो बचे हुए 18 विधायक है इनका समर्थन भी एनसीपी और शिवसेना से ही आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि 17 विधायक जो शिवसेना के हैं वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के खिलाफत के लिए मोर्चा उन्होंने खोल दिया है और वो विधायक निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने जा रहे हैं। और साथ ही शरद पवार भी इसमें गेम है वो खेल सकते हैं। अभी लास्ट चाल उनकी पड़ी हुई है और निश्चित तौर पर जिस तरह से 3 मंत्रालय राष्ट्रपति पद वगैरह सौंपने का जो ऑफर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शरद पवार को दिया गया उसको कहीं ना कहीं शरद पवार है वो नहीं ठुकरा सकते हैं। और ये जो पूरा गेम खेला गया है ये निश्चित तौर पर अभी शरद पवार खुद नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर शरद पवार के देखरेख में ये पूरा गेम खेला गया है। एक ही रात में, यानी रात लगभग 9 बजे तक ये बात चल रही थी कि कांग्रेस एनसीपी और जो शिवसेना है वो मिलकर के सरकार बनाएगी, उद्धव ठाकरे के नाम पर सीएम पद पर जो सहमति है वो हो गई है। तब तक कयास लगाए जा रहे थे कि कल हर हाल में, यानी आज हर हाल में निश्चित तौर पर सरकार है वो बन जाएगी, लेकिन
अब जो गेम पलटा, यानी रात को हम सोए तो ये खबर थी और सुबह उठे तो हमें पता चला कि देवेंद्र फडणवीस ने जो मुख्यमंत्री पद की शपथ है वो ग्रहण ही कर ली है, बीजेपी की सरकार बन चुकी है, अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण कर ली है। तो ऐसे में अब पूरा गेम महाराष्ट्र की सत्ता का पलट गया है। राजा ने अभी तक अपनी एक चाल बचा करके रखी है, क्योंकि 18 विधायक अभी तक और बचे हुए हैं। उन 18 विधायकों का समर्थन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जुटा पाएगी, ये या तो डिपेंड करता है शरद पवार पर या फिर डिपेंड करता है अमित शाह पर, क्योंकि अमित शाह है वो जो शिवसेना के बागी विधायक हैं, उनके संपर्क में काफी लंबे समय से हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शिवसेना के विधायकों के संपर्क में हैं और निश्चित तौर पर वो विधायक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर के विधायक गए थे वो अब कहीं ना कहीं लौट आएंगे, और इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के पास शुरुआत में 105 खुद के और 14 अन्य विधायकों का भी समर्थन था, वो समर्थन भी कहीं ना कहीं अब लौट आएगा। 30 नवंबर लास्ट तारीख रखी गई है, 30 नवंबर तक बहुमत है वो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को साबित वो करना है। लेकिन इस पूरे गेम में जो शिवसेना है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। अब शिवसेना का अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब हर किसी को पता चल चुका है कि शिवसेना कभी भी बदल सकती है, कभी भी हिंदुत्व की राजनीति को छोड़ करके मुस्लिमकरण की राजनीति को अपना सकती है और इसके लिए वो पूर्ण रूप से तैयार है। इस तरह का संदेश जो महाराष्ट्र की जनता में गया है, ये पता नहीं शरद पवार ने गेम खेला है, पता नहीं हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य अमित शाह ने ये जो पूरा गेम है वो खेला है कि किस तरह से उन्हें एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ मिलाया जाए, ताकि एक अलग विचारधारा वाली सरकार है बना करके ये किसी न किसी तरह से महाराष्ट्र की जनता में मुस्लिमकरण, इनकी जो सिद्धांत है उनको मुस्लिमकरण का साबित करने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने अपना जो गेम है वो खेला है शिवसेना को कमजोर करने के लिए। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को मजबूत करने के लिए भी ये गेम खेला हो। निश्चित तौर पर अब भविष्य में निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस हैं वो मुख्यमंत्री रहेंगे। 127 का आंकड़ा इनके पास जुटा चुके हैं ये, यानी 22 विधायकों का समर्थन की चिट्ठी है वो अजीत पवार के पास मौजूद है और 105 विधायकों की चिट्ठी है वो देवेंद्र फडणवीस के पास मौजूद है। कुल मिलाकर 127 विधायकों का समर्थन है वो अब तक मिल चुका है। 18 विधायकों के लगभग समर्थन अभी और चाहिए, और वो कहां से जुटेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि शिवसेना से बागी 17 विधायक है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले हैं, और जो बीजेपी से बागी होकर के चुनाव लड़े थे वो भी विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं, और इसके अलावा 2-4 दल छोटे मोटे और भी हैं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने के लिए तैयार होंगे। तभी तो इतनी बड़ी रिस्क ली गई है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पद के लिए जो शपथ ग्रहण है वो करवा दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये निश्चित है कि ये जो रिस्क ली गई है वो एक पूरे विश्वास के साथ ली गई है कि वो 18 और विधायकों का आंकड़ा है वो जुटा लेंगे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे संजय राउत का क्या होगा ये देखने लायक होगा। जिस तरह से पिछली बार थोड़ा सा जो उठक पटक हुई थी उससे ही सर्द जो ये संजय राउत है शिवसेना के नेता उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था, इस बार उद्धव ठाकरे का क्या हाल होगा, किस तरह से क्या वो महाराष्ट्र में अपना अस्तित्व है वो बचा पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब तक जो शिवसैनिकों की जो आवाज थी वो यही थी कि ये जो पूरा गेम खेला जा रहा है सत्ता के लालच में खेला जा रहा है और हम किसी भी सूरत में शिवसेना के साथ है वो नहीं जाएंगे, शिवसैनिकों की यही आवाज थी। लेकिन अब क्या होगा, जिस तरह से सोनिया गांधी के कहने पर उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, सोनिया गांधी के कहने पर जो चुप रह रहे थे, सोनिया गांधी के कहने पर मुस्लिमकरण की राजनीति अपनाई, सोनिया गांधी के कहने पर अयोध्या जाने का जो फैसला था वो रद्द कर दिया, और अभी भी 24 तारीख में कल का टाइम है, तो क्या उद्धव ठाकरे दोबारा फैसला लेंगे कि 24 तारीख को जो अयोध्या जाने वाले थे वो अब जो उद्धव ठाकरे हैं वो जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये तो कन्फर्म हो चुका है कि अब उनकी सरकार नहीं बनने वाली है किसी भी हालात में, तो निश्चित तौर पर अब वो कोई ना कोई अपना जो पिछला सिद्धांत है
जो उद्धव का सिद्धांत है उसको प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे हैं वो कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन अब की बार शिव सैनिक समझ चुके हैं कि ये जो गठबंधन है वो शिवसेना है वो किसी के साथ गठबंधन कर सकती है। सत्ता के लालच में आकर के, पुत्र मोह के लालच में आकर के मुस्लिमकरण की राजनीति को भी अपना सकती है। तो अब निश्चित तौर पर शिवसेना को जो जो महाराष्ट्र के लोग जनता है वो नहीं अपनाएगी। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों और जो शिवसेना के सिद्धांतों का अस्तित्व है वो एकदम दी एंड करके रख दिया है। फिलहाल इतना ही। आगे जब ये 18 विधायकों की जो कोई सूची आएगी किसी तरह की तो उसकी अपडेट भी मैं आपको दे दूंगा। आज के लिए अब इतना ही। फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या शरद पवार ने साथ मिल करके ये पूरा गेम खेला है। एक ही रात के अंदर जिस तरह से मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण तक कर ली गई है, पूरा गेम पलट दिया गया है, कहीं ना कहीं इसमें शरद पवार का हाथ है या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या शिवसेना के विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो, अगली अपडेट, अगली न्यूज के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाई गई प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।